ई रिक्शा चालक ने फवारा तिराहा पर किया जोरदार धरना प्रदर्शन और TSIB पर लगाया आरोप। अकबरपुर शहजादपुर स्थित फवारा तिराहा पर ई रिक्शा चालकों ने काफी संख्या में TSIC शिव दीपक सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया और ई रिक्शा चालकों का कहना है कि हम लोग को शहजादपुर फवारा तिराहे से लेकर जिला कलेक्ट्रेट व कचहरी तक नहीं जाने दिया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम सब चालक रोड जाम कर रहे हैं। हम लोगों की रोजी रोटी कैसे चलेगी व बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगा, लेकिन इन सब बातों को रखते हुए धरना प्रदर्शन कार्यक्रम पर जमकर नारेबाजी किए। इस मौके पर इन गरीबों के पक्ष पर अपनी बात रखते हुए गरीबों किसानों के समाज सेवी नेता अनिल मिश्रा भी मौजूद रहे और अकबरपुर कोतवाली प्रभारी अपने पूरे टीम के साथ इन ई रिक्शा चालकों को न्याय दिलाने की अपील की तथा ई रिक्शा चालक फवारा तिराहा से लेकर फैसाबाद रोड तक धरने का जुलूस निकाले। ई रिक्शा चालक का कहना है कि हम लोगों को शहजादपुर से लेकर कलेक्ट्रेट कचहरी तक आने दिया जाए, इस बात पर हम लोग संतुष्ट रहेंगे। आप लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में धरना पर क्यों धरने बैठे हैं? क्या मकसद? कि हम लोग को जाने नहीं दे रहे हैं पुवारी पर। आधा रिक्शा इधर चले, आधा रिक्शा उधर, जो पुराना नियम था उसी तरफ से चले। सब जहाँ से ले सवारी जिला अस्पताल के अगर ले वहाँ छोड़े, वहाँ से ले यहाँ छोड़े, घर से रिजर्वेशन लेते हैं, जाने नहीं देते हैं। जो मरीज होता आधे रास्ते में मर गया। ऐसा है कि आप लोग कहाँ तक जाना चाहते हैं? जो कि जिला अस्पताल रोडवेज तहसील जैसा पहले चलता था वैसा चल, वही नियम लागू किया जाए। अच्छा, कितनी संख्या में यहाँ आप लोग इकट्ठा हुए हैं? लगभग 1500 से ज्यादा। अच्छा, सबको वही दिक्कत है? सबको वही प्रॉब्लम। जनता भी परेशान है सर। जनता 10 से 20 देना नहीं चाहती। 10 रुपए में उनकी आदत पड़ गई है जिला जाने की, 20 कहाँ से देंगे? ये बाधित कौन कर रहा है? वो बता रहे हैं, हम गेहूँ चावल बेच के ला के दे 20 रुपए आपको। 10 रुपए में बैठाते थे जिला अस्पताल। ये बाधित कौन कर रहा है? प्रशासन की कर रहा है। प्रशासन की कौन? यातायात पुलिस RTO। अच्छा, क्या मांग है आप लोग? कैसे हैं, नहीं चल जो जैसा था पहले वैसे नियम से भीड़ भी नहीं लगी। मांग है कि जैसा नियम पहले था उसी तरह से वैसा चले और भीड़ कभी नहीं लगेगी। सर सर उनके पास है, सर उनके पास है। नहीं, TSI साहब, ये जो धरना पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं, इनको आप क्या आश्वासन दिए? आश्वासन ये है कि जो भी रिक्शों का रूट निर्धारण है वो शासन स्तर से आदेश है कि रिक्शा रूट पे चलेंगे, जिसके तहत ये अपनाया गया है कि रिक्शे अपने रूट पे चलेंगे। इन लोग का आपत्ति है तो उस पर फिर से विचार किया जाएगा। क्या आपत्ति है इन लोग? इनको आपत्ति है कि हमें बिना रूट निर्धारण के ऐसे ही चलते रहने दिया जाए। दफा सरपट कोई नियम कानून हमारे लिए ना लगाया जाए। इनको ये लड़ी, नियम कानून लगाया क्यों ना बता रहे हैं? ये लोग मतलब संतुष्ट हैं? अभी संतुष्ट नहीं है। इनको ये चाहिए कि बिना नियम का हमें मतलब जैसे मैं चल रहा था बिना रूट के निर्धारण के वैसे नगर पालिका क्षेत्र में कहीं विचरण करने दिया जाए, कहीं चलने दिया जाए। इनकी ये मांग है जो कि ये न्यायचित नहीं है। आप नहीं रहेंगे? हम लोग जाते हैं चालान सीधे कट रही। हम लोग अगर गाड़ी बनवाने जा रहे हैं तो घुमा दी है कमाने का मतलब नहीं है। हमें नियम कानून फॉलो कराना पड़ेगा। नियम कानून अरे भाई कुछ मानवता इंसानियत नाते चालान रहम करा कि यही साहब का हंस देंगे चालान कटा चालान। अरे इंसानियत तो मानवता भी तो कुछ है, थोड़ा रहम करिए। ये भी तो थोड़ा बहुत रहम करे। ये भी तो थोड़ा बहुत रहम करे। पेशेंट लिए रहते हैं उतरवा देते हैं। पेशेंट लिए रहते हैं उतरवा देते हैं। तुम्हारे घर का नहीं है सर? घर क्यों नहीं सर? घर सर हमारे घर का चीज बताइए। तुम्हारे जवाब में दे रहा हूँ, रुक जाओ। मेरे भी आंखें हैं जो वहाँ खड़ा उसके भी है। कौन सा पेशेंट OPD का पेशेंट है कि इमरजेंसी का पेशेंट है, ठीक है, वो हमको भी पता है। OPD का पेशेंट है तो ऐसा नहीं कि रिक्शे उधर नहीं जा रहा है। 50 रिक्शे जा रहा है ना उधर।
जा रहे हैं नहीं 850, हमको बताओ जा रहे हैं कि नहीं 850, 850 से कम। जिसका अपना पर्सनल भी काम है, पैसे नहीं है तो वो क्या करेगा सर? क्या पर्सनल काम? उसके अपना पर्सनल काम भी है, पर्सनल काम का रास्ता किया ही सब रास्ता काम सहमत होंगे। हमने ये बताया था कि जैसे कि एक हुआ कि उधर वाले ज़्यादा कमा ले रहे हैं, इधर वाले नहीं कर सकते, पहली समस्या ये थी। और दूसरी समस्या थी यही थी नहीं, समस्या यही है। देखिए सर, देखिए उधर वाले चल रहे हैं, पहले एक समस्या बताइए, एक समस्या बता रहे हैं, हम लोग कमा नहीं पा रहे हैं, हम उधर वाले कमा रहे हैं। नगर पालिका ने सर हम लोगों का एक दुबारा